करती। अरे परेशान मत हो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। सीन करके आती हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। ऊपर करो इसे। जबरदस्त। ओके हाँ, फ्लाइंग पोजीशन में आपको नीचे आना होगा, हम वायर खींचेंगे। जब मैं आपको इशारा करूं आप जंप लगाइएगा, उससे पहले नहीं। ओके काफी हाइट से आपको जंप लगानी है। ध्यान रहे कि बॉडी स्ट्रेट रहे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो ऊपर खींचो। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो उस वक्त बेहोश हो गया था। भाई ये क्या? सुनो, वायर खींचो। ओह, कोई बचाओ मेरी बेटी चैंग, कोई बचाए। हेलो जी, कहिए। चैंसों का एक्सीडेंट कब हुआ? ओके शुक्रिया। ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ मेरे बेटे को, बताओ जल्दी। वो चैंग को। ऐसी रोना बंद करो तुम, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी की सर्जरी क्यों नहीं हो सकती डॉक्टर? उनकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। इस हालत में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, उन्हें होश में लाना होगा। और आप दोनों का ब्लड भी मैच नहीं हो रहा, ब्लड की जरूरत भी पड़ेगी। क्या? सर्जरी के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ती है,
अगर आपका कोई रिलेटिव या जानने वाला है तो प्लीज़ उसे बुला लें, अदरवाइज हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, लेकिन अगर ब्लड नहीं मिलता तो केस काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ किसी डोनर को बुलाइए। ये चैंग का एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये क्या हुआ, कैसे हो सकता है ये? उससे एक्शन सीन नहीं करने चाहिए थे। चैंग सॉन्ग संभालो। अरे क्या हो गया, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो इस तरह। चलो बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। हो गया? हाँ सुना है मैंने भी। तुम लोग फिर आ गए, दफा हो जाओ। मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, जाओ यहाँ से। चलो बस करो, अब रिलैक्स हो जाओ। पानी लाओ। ये खबर देख रहे हो तुम? एक्शन सीन करते हुए चैंग सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, सीरियस कंडीशन है। कौन से हॉस्पिटल में वो? कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। हम दोनों का ही ब्लड मैच नहीं हो रहा, अब क्या होगा? खुदा मेरी बच्ची पर रहम कर। पापा और चैंग का ब्लड सेम था ना? तुम यहां पर कहां है मेरी बेटी? ठीक तो है ना वो? लो भाई, ये केस तो सॉल्व हो गया। बड़ी आसानी से जुर्म कबूल कर लिया इसने। तो जुर्म इसने कबूल कर ही लिया है तो क्यों ना इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इनके लॉयर भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। उस दिन तो बहुत बोल रहे थे आप, आज क्या हुआ? थोड़ा ब्रेक चाहिए। हाँ क्यों नहीं, क्या तुम कॉफी पियोगे? नहीं शुक्रिया। डोमी जॉन जी, क्यों कर रहे हो ऐसा? खुद पर इल्जाम क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। तुम किसी को बचा रहे हो और किसी डर की वजह से, लेकिन तुम्हारे गुनाह कबूल करने से असल मुजरिम ऐसे ही आजाद घूमता रहेगा। तुमने जब मुझे कॉल की और गुनाह कबूल करने का कहा तो मैं तभी समझ गया था तुम बहुत समझदार हो, ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते। प्लीज बताओ मुझे सच क्या है। हे, ये खबर सुनी तुमने? शूटिंग के दौरान चैंग सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया है, काफी क्रिटिकल पोजीशन है उसकी। ये देखो, कुछ देर पहले ही हुआ ये सब। अरे तुम तो उसके पड़ोसी और दोस्त भी हो ना, तुम जानते हो ये सब कैसे हुआ होगा। गड़बड़ है कोई। हे, कहाँ जा रहे हो? रुको, डोमी जॉन। डोमी जॉन 벌써 나갔어요? 네, 누구요? 조사 받던 도민준 방금 안 나갔냐고요? 안 나왔는데요? 뭔 소리야? 방금 저문 벌컥 열고 나왔잖아요. 아니에요, 형사님 나오기 전에 아무도 안 나왔어요. 제가 계속 지켜봤는데요. 뭔 소리야, 방금 저 문 딱 열고 나왔는데. 아니 안 나왔다니까요. 야, 내가 दिमाग खराब हो गया है, कहीं वो इस टेबल के नीचे तो नहीं छुप गया। मत ढूंढो उसे, वो जा चुका है। ये हो क्या रहा है, कहां गायब हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहां से वो बाहर निकला और गायब हो गया। सीसीटीवी देखना होगा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? डोमी जॉन, डोमी
पहले भी हुआ ऐसा, अचानक वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया था। कैमरे में तो आया ही होगा ना। ये देखो बाहर निकला, वो इस कमरे से बाहर निकला है। और यहां देखो, यहां वो है ही नहीं। मतलब ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। यूरिक, ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिरी आदमी है कौन? मुझे तो ये आदमी जिन लग रहा है। कहीं ये हैरी पॉटर तो नहीं? क्या सोच रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ बताएंगे आप इस बारे में? क्या था वो सब कुछ? कैसे गायब हो गया वो? आप तो उसके लॉयर हैं, आपको तो पता होगा। कब से जानते हैं आप उसे? मैं आपसे बात कर रहा हूं लॉयर साहब, आप जवाब क्यों नहीं देते? आपको गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी? अभी सीसीटीवी फुटेज देखकर आ रहा हूं मैं। दोनों कैमरों में कहीं नजर नहीं आ रहा वो। ऐसे गायब हो गया जैसे हैरी पॉटर हो। फिल्म चल रही है क्या? अगर ये बात है तो सीसीटीवी कैमरास को टूट जाना चाहिए था। आपको मजाक सूझ रहा है इस वक्त? कॉल कीजिए उसे, पूछे वो कहां है। अगर वो नहीं मिला तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ख्वाब सा लग रहा है। पागल है ये, एकदम पागल। सर आपका ब्लड मैच हो गया है चैंग के साथ, ऑपरेशन की तैयारी करो। जी सर, आप भी तैयार हो जाएं, हमें फौरन ब्लड की जरूरत होगी। जी जी चलिए, ठीक हो जाएगी हमारी बेटी। क्या हुआ तुम यहां? तुम तो प्रोसिक्यूटर के पास जा रहे थे ना? जो डील तुमने की थी वो याद है ना तुम्हें? आज तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान? वो क्यों? मुझे डरा रहे हो ना? नहीं, डरा नहीं रहा, ऐसा ही करूंगा। मैं
तुमने जैसे चैंग को मारना चाहा, बिल्कुल वैसे ही मौत दूंगा मैं तुम्हें आज। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। बताओ क्या कर सकते हो ऐसा? क्या सोच रहे हो तुम? उसे मारना तो नहीं चाहती हो ना? याद है तुमने क्या कहा था? तुम अपनी ताकत किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी। इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की तो ये मत भूलो कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जब तक यहां हो सुकून से रहो। तुम्हारी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूं। तुम्हारे सारे राज मुझे मालूम है। तुम इंसान नहीं, एलियन हो जिसकी पावर्स कभी भी खत्म हो सकती हैं। तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा गुरूर है। ये गुरूर खत्म हो गया तो चैंग को कैसे बचाओगे? सोच लो, मेरी मौत के साथ चैंग की मौत भी जुड़ चुकी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना चाहोगे? अगर मेरे मरने से चैंग की जान बच सकती है तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। चैंग सॉन्ग भी मर जाएगी। अगर मैं मर गया तो चैंग को भी मार दिया जाएगा हॉस्पिटल में। मेरे आदमी मेरे इशारे के मुंतजर हैं। अगर मेरी कॉल नहीं गई तो वो चैंग को मार देंगे। अच्छी तरह सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है अब तुम्हारे पास। क्या सोच रहे हो टॉमी जॉन? एक बार अगर वो मर गई तो उसे वापस नहीं ला सकते। वो इंसान है, कोई एलियन नहीं। दुआ करो कि चैंग बच जाए। अगर चैंग को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है ना? एक एक करके वो सब छीन लूंगा मैं तुमसे। आसान मौत नहीं दूंगा, तड़पोगे मौत के लिए। जिंदगी के नाम से तुम्हें नफरत करवा दूंगा। डरा रहे हो मुझे? हाँ डरा रहा हूं मैं, और तुम्हें डरना भी चाहिए। ऐसा डर तुमने नहीं देखा होगा। सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन ब्लड बह जाने की वजह से
इन्हें कुछ दिन कमजोरी रहेगी, अभी इन्हें कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। आप लोग प्लीज इनका खास ख्याल रखिएगा। कब तक ठीक हो जाएगी डॉक्टर? अब वो खतरे से तो बाहर है ना? जी जी, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन सांस का सही तरह बहाल होना भी जरूरी है। एक दो टेस्ट और होंगे, फिर हम कंप्लीटली नतीजे पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कि तुम यहां आ गए, सही वक्त पर आए तुम। अच्छा मैं चलता हूं, परेशान मत हो, ये जल्द ठीक हो जाएगी। चैंग के होश में आने तक रुक जाओ। मेरा चला जाना ही बेहतर है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, जानते हो कितनी सेंसिटिव है ये तुम्हें कितना याद करती है जानते हो तुम? बचपन में वो तुमसे नाराज क्या हो गई, तुम लौट कर कभी वापस ही नहीं आए, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि कैसे जी रही होगी। तुम्हें अपने पापा को देखकर खुशी नहीं हुई? मिलोगे नहीं उनसे? आपने तो कहा था मेरे डैड नहीं है। एक तस्वीर तक नहीं दिखाई आपने उनकी मुझे। पापा, जब मैं छोटी थी तो कोई भी काम करने से पहले आपको याद किया करती थी। पापा, लेकिन इस बार मेरे ख्यालों में आप नहीं, कोई और था जिसके बारे में मैं दिन रात सोचती हूँ और उसी का नाम लेती हूँ, डोमी जॉन। उसके साथ रहना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, ख्वाब में भी वो मेरे साथ ही रहता है, उसका एहसास ही मेरी जिंदगी है। वो जितनी भी कोशिश कर ले मुझसे दूर रहने की, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिस्म और रूह एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मुझे उसके साथ जीना है हमेशा। मारे
자꾸만 슬픈 꿈을 꿔요.